ਸਪੀਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਜਦਾ 11 ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੱਜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM, ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਨਵੀਂ ਤਰੰਗ। दोस्तों, विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत सुनील दत्त द्वारा निर्मित मन के मीत से। फिल्म में लोग अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की फिल्मी पर्दे पर अदाकारी का संग्राम देखकर रोमांचित हो जाते थे। वैसे तो उन्होंने अपना फिल्मी सफर विलन से शुरू किया था, लेकिन वो हीरो से भारी पड़ते थे। कई फिल्मों में अमिताभ से ज्यादा विनोद खन्ना ने वाहवाही बटोरी। जब वो पूरी तरह से स्थापित हो गए, तब अचानक फिल्मी दुनिया से विदाई लेकर ओशो जी की शरण में चले गए। अगर वो अचानक फिल्मी दुनिया छोड़कर नहीं जाते तो कौन जानता है कि वो आज अमिताभ से ज्यादा अदाकारी में नाम कमा रहे होते। फिल्म अमर अकबर एंथोनी में जब विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन को उनके इलाके में जाकर लड़ाई के लिए ललकारते हैं और फिर जमकर धुनाई भी कर देते हैं, तो दर्शक उनकी अदा के दीवाने हो गए थे और अमिताभ से ज्यादा तारीफ मिली थी। उस दौर में जब अमिताभ सुपरस्टार की सफलता को चूम रहे थे, तब विनोद खन्ना एकमात्र उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे। धर्मेंद्र के बाद अगर किसी हीरो ने लड़कियों पर अपनी मर्द वाली छवि बनाई है तो वो थे विनोद खन्ना। दोस्तों, विनोद की जिंदगी में ऐसे कई उतार चढ़ाव आए और वो इन सबके बीच से गुजरकर अपना रास्ता तलाशते रहे। उन्होंने फिल्मी जगत में कई पारियां खेली और हर बार खुद को साबित किया, और हर बार उनके फैंस ने भी उनका दिल से स्वागत किया, चाहे वो खलनायक और फिर हीरो से लेकर राजनेता तक। रियल लाइफ से रियल लाइफ में विनोद ने हर तरह के किरदार का स्वाद चखा है। दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है सबरंग लेजेंड्स और बातें हो रही है फिल्म स्टार विनोद खन्ना के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे यानी नौशाद के साथ और सुनते रहिए सबरंग रेडियो 94.7 FM, सबरंग नई तरंग। शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हंसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है 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 पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को भी पर्दा ना कर दूंगा पर्दा पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा है पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा।
मैं देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखे कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखें मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी मैं शायर हूँ हसीनों का मैं आशिक महजबीनों का तेरा दामन तेरा दामन 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 तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं हर चिलमन 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 मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा ना डर जालिम जमाने से अदा से या बहाने से जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी का बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा खुदा का शुक्र है चेहरा नजर तो आया है हया का रंग निगाहों पे फिर भी छाया है किसी की जान जाती है किसी को शर्म शर्म आती है किसी की जान जाती है किसी को शर्म आती है कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है सता कर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिलबर हाँ यही दस्तूर है इनका सितम मशहूर है इनका सितम मशहूर है इनका सितम मशहूर है इनका खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूं हाँ मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूं हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दा है पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा कमाल हो गया यार ओ आप सुन रहे हो 94.7 FM और सबरंग रेडियो हेरा फेरी परवरिश और अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों में वो अमिताभ के साथ अभिनय और पर्सनालिटी में कहीं भी कम साबित नहीं हुए उन्होंने विलेन और हीरो से लेकर चरित्र अभिनेता वाले रोल भी बखूबी निभाए
यह एक महत्वपूर्ण बात है कि उन पर कभी एक से किरदार में बने रहने का ठप्पा नहीं लगा। उन्होंने कई फिल्में खलनायक के तौर पर ही साइन की। इनमें मेरा गांव मेरा देश, रामपुर का लक्ष्मण तथा आन मिलो सजना आदि प्रमुख है। गुलजार ने उन्हें अपनी फिल्म मेरे अपने में मीना कुमारी जैसी दिग्गज हीरोइन के विपरीत काम करने का मौका दिया और इस रोल ने विनोद के फिल्मी करियर को नई उड़ान दे दी। कई फिल्मों में उन्होंने विलेन के रोल किए, लेकिन वो ज्यादातर में हीरो से बीस ही साबित हुए और इनकी छवि बेरोजगार और परिस्थितियों के मारे लेकिन दिल के अच्छे युवा के रूप में हर तबके में हो गई। एक ही साल में उन्होंने रेशमा और शेरा की। इससे पहले वे पूरब और पश्चिम तथा सच्चा झूठा में भी छिटपुट रोल कर चुके थे। साची साची तेरी नजरें एक दर्पण, देव मन की ये खबरें एक परछन, अधरों ने कुछ ना कहा रे, नैनों ने कह दिया। तूने तो पल भर में चोर किया रे जिया मोरा जिया, जैसे प्रेम की नदियाँ रे, तुझे संग के मन लगाए तब जाके ये रुत आई है। तूने तो पल भर में चोर किया रे जिया मोरा जिया, चुप दिल में आया सजना स्वांग रचियारे, पल पल हर पल जिसकी छाया अपना पार लगियारे। ओ तुझ पर जा अधराने कुछ ना कहा रे, नैनों ने कह दिया। Yeah.
You are listening 94.7 FM Sabrang Radio.